नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूँ श्याम सुंदर। इस वक्त मैं सोशल वेलफेयर के ऑफिस अम्फला में आया हुआ हूँ और वार्ड नंबर 16 के जो लोग हैं उनमें से जो विडो पेंशन है उसको लेकर जो है सारे लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है कि आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कितनी परेशानी आ रही है जो विडो पेंशन जिस तरह से जो फॉर्मेलिटीज मांगी हुई है, कितनी परेशानी आ रही है। आइए इन लोगों से ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। पेंशन हम जी थोड़ी ही 1000 रुपया अभी बांटो ही बच्चा गरीबें कुठों लैनिया है, बुढ़िया जनानी कुछ जाना, इस बात है बड़ी मजबूरी है। ते हुन ओ भी बंद होई गई जी। पहले आंदी ही? हां पहले आंदी ही, हुन नहीं आंदी है। हुन 3 महीने हुआ रुके थे। जमा करवाए तुसे? सारे कराए थे? सारे जेड़े मंगे थे वो जमा कराए थे तुसे? ओ सारे कराए थे। कितने दिन है, कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने? हां कार्ड देते हैं से फिर हैं सोई ही पर सुनजार से देता फिर सोई गया फिर सोई आखने जो तुम सारा लाया पता लाया मिलना चाहिए कदा कदा। और आदमी का उम्र का आखिरी पड़ाव होता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन ओल्ड एज पेंशन का जुगाड़ किया गया था। इन्होंने अपने कागज वगैरह सब सबमिट किए थे, उस समय इनका एफिडेविट वगैरह सब कुछ लगा था। इनकी मातों बहनों की पेंशन लगी थी। पिछले गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश निकाला कि APL से जो भी बिलोंग करता था उनकी पेंशनें बंद हो गई, जो BPL से बिलोंग करता था उनकी भी काफ़ी सारी पेंशनें हो गई। जब हम डिपार्टमेंट के पास सोशल वेलफेयर के पास आए, जो APL के लोग थे उन्होंने बोला आप इसको BPL कार्ड बनाकर लाओ। BPL कार्ड मैं कहना चाहता हूँ क्या कोई दुकान से मिलता है BPL कार्ड? हम उधर से लेकर आए 80-80 साल और 85-86 साल की माताएं बहनें जहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर तहसील के बाहर दर बदर हो रही है, कोई प्रशासन इस समय कोई सुध नहीं ले रहा, जहाँ के हमारे इस समय हमारी चुनी हुई सरकार नहीं है लेकिन फिर भी जो प्रशासन में बैठे हुए जहाँ पर म्यूनसिपल्टी जम्मू के मेयर हैं जो फादर ऑफ सिटी कहलाए जाते हैं उनकी ओर की मैं इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये आप इनको घर में जाकर तशरीह करिए, कोई बहन अगर किसी 2 नंबर की पेंशन लेती हो उसका जिम्मेदार मैं होगा। ये आप इनकी हालत देखिए, इनकी बारिश में इतनी बारिश में आज इनका चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ और हाथ जोड़ के अपील भी करता हूँ, मेहरबानी करके इनके ऊपर तरस खाइए। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं खासकर विडो माताएं जिन्होंने उनको बोलते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएं, जब उनका घर वाला ही नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर बनाएंगे। मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से विनती है कि प्रशासन उठे, नींद की जागे और लास्ट में अगर फिर भी एक 15 दिन का इनको टाइम देते हैं, नहीं बना हम गवर्नर साहब के गेट के पास यही लोग जाएंगे। एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली जैसे कि सब जानते हैं गाइडलाइन सरकार की तरफ से चेंज हुई है जिसमें थोड़े जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो PHS राशन कार्ड धारक जो होते हैं वही पेंशन अवेल कर सकते हैं। उससे पहले इनकम सर्टिफिकेट ही था जो क्राइटेरिया था। अब इसके लिए ये है कि हमने जगह जगह बहुत सारे कैंप भी लगवाए थे मार्च और अप्रैल के महीने में, एक्सटेंसिव हर एक वार्ड में जो है हमने फैसिलिटी प्रोवाइड भी की थी जिसमें फर्स्ट लाइन डिपार्टमेंट सारे आए हुए थे, जिस जिस कागज़ की ज़रूरत होती है वो एक ही कम्प्लेक्स में बैठ के इशू हो रहे थे। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट की तरफ से हर तरह की हमने अपने इनफैक्ट ऑफिस में भी जो है वो विंडो रखी है जिसमें लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए ऑन स्पॉट। तो ये तो कोशिश रह ही रही है और अभी तो हमारे पास कोई 42-43 हज़ार ऑनलाइन भी जो हैं फॉर्म आ चुके हैं जो कि हमने फर्दर हायर अथॉरिटीज़ को भी फॉरवर्ड कर दिए हैं फॉर सेंक्शन। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ किसी भी प्रकार के अगर उनको असुविधा हो रही है तो वो आके हमारे पास आ सकते हैं, जो हमारी विंडो भी है जहाँ पे ऑफिशियल डिजिग्नेट किए गए हैं उनकी अवेयरनेस के लिए या जिस तरीके के जो जो कागज़ की ज़रूरत रहेगी वो कौन कौन से वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और साथ में हमारी जो है
जो फ़ोन की भी फैसिलिटी है, जो फ़ोन पे भी हमें कॉल करके जो है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। साथ ही सारे डिपार्टमेंट्स भी इनफैक्ट अवेयर हैं और पूरी की पूरी लोगों को जो हेल्प की जा रही है। जो PHS राशन कार्ड होल्डर है, CAPD डिपार्टमेंट, उनका कन्वर्जन जो है वो वॉरफुट बेसिस पे किए जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से मैं ये समझती हूँ कि सरकार के पूरा सहयोग है लोगों को कि जो जो है इस क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे। हम क्या चाहते हैं? टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।